जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर फ्रेंड। देखो, आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा इन फिगर 8.13, फाइंड टेन पी माइनस कोट आर। यहाँ लिखा आकृति 8.13 में टेन पी माइनस कोट आर का मान याद कीजिए। तो देखो, सबसे पहले अपने डिस्कशन करते हैं सॉल्यूशन नंबर सेकंड। देखो, यहाँ हमारे पास दो एंगल दे रखे हैं, एक तो टेन पी और एक कोट आर। तो देखो, यहां मैं आपको वापस समझा देता हूं। टेन पी देखो, यहां हमारे पास ये कितना है, पी क्यू आर। ये हमें दे रखा है कितना है, 90 डिग्री। हमारे पास ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये कितना है, 13 सेंटीमीटर। लिखा हमने, एक बार अपने निकालना है टेन पी और एक बार हमें क्या निकालना है, टेन आर। और यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। तो देखो, सबसे पहले अपने निकालते हैं क्यू आर। हमारे पास बेस कितना है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमारे पास ये बेस कितना है, क्या निकालना है हमें सबसे पहले, कि हमारे पास ये बेस कितना है। देखो, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ये होता है परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस। तो देखो, फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कि कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। लिखा हमने इधर, देखो एच मिस हाइपोटेनियस। एच क्या होता है, हाइपोटेनियस। पी होता है परपेंडिकुलर, बी क्या होता है, बेस। हमारे पास हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, बेस। क्या फाइंड करना है हमें सबसे पहले, बेस। तो देखो, एच स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 13 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना आएगा, 13 का स्क्वायर। पी हमारे पास कितना है, 12 का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। बेस का स्क्वायर अपने को फाइंड करना है। बेस है कितना लेंथ, देखो क्यू आर, तो अपने यहाँ लिख सकते हैं क्यू आर, जो ये डिस्टेंस है इसका होल स्क्वायर। अब देखो, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर। लिखा हमने इधर। अब देखो, 169 ये 144 यहाँ आएगा, तो माइनस 169 माइनस 144 और यहाँ कितना आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से कितना माइनस करना है, 144। तो देखो, 9 माइनस 4 5 6 माइनस 4 25 और यहाँ कितना है क्यू आर का होल स्क्वायर। तो देखो, क्यू आर हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट में 25 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, आपने यहाँ क्या कर दी, दोनों साइड इसका वर्गमूल ले लिया, बोथ साइड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ देखो, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा क्यू आर और यहाँ हमारे पास आ जाएगा रूट में 25। तो देखो, 25 के अपने फैक्टर निकालेंगे, क्या आता है, 5 मल्टीप्लाई 5। तो एक पेयर अपने बाहर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो देखो, क्यू आर हमारे पास कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। आप देखो, मैंने यहाँ दो बार डायग्राम इसलिए बनाया, एक बार अपने को फाइंड करना है टेन पी, एंगल कौन सा पी, और एक बार अपने को फाइंड करना है आर। यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ गलती होने के चांस रहते हैं। तो पहले हमने निकाली दोनों की वैल्यू, यहाँ क्यू आर हमारे पास इधर कितना आ गया, बेस 5 सेंटीमीटर। अब अपने को फाइंड करना है टेन पी और कोट आर, फिर इन दोनों वैल्यू को हमें क्या करना है, माइनस। तो देखो, यहाँ यहाँ कितना आ गया अपने पास, क्यू आर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। देखो, टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, पंडित बद्री प्रसाद। तो यहाँ कितना आएगा, पी हर हर बोले, तो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो, यहाँ मैंने आपको बताया हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा, लेकिन चेंज क्या हो जाएगी वैल्यू, परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो देखो, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, यहाँ ध्यान समझना। जब थीटा और 90 डिग्री दे रखा है, जहाँ आ रहे इसके बीच में क्या हो जाएगा, ये बेस, ये क्या हो जाएगा, बेस। और जो रिमेनिंग जो रह गया हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। कब हो जाएगा, जब अपने टेन पी फाइंड करें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, 5 और बेस हमारे पास कितना है, 12। आ गया इतना आंसर।
अब देखो, अब अपने को फाइंड करना है कोट आर का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का अपोजिट, टेन का क्या हो जाएगा उल्टा रिवर्स, तो यहाँ कितना आ जाएगा बी अपॉन पी। लेकिन ध्यान रखना इस बार अपने को आर फाइंड करना है, कौन कौन सा आर, एंगल आर। तो देखो एंगल आर फाइंड करना है 90 डिग्री और एंगल गिवन एंगल, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था 90 डिग्री और गिवन एंगल के बीच में हमेशा क्या होता है बेस, यहाँ एंगल था और यहाँ 90, तो यहाँ बेस, यहाँ टेन पी फाइंड करे थे तो बेस कितना था 12, जब टेन आर फाइंड करे तो बेस हमारे पास, आधार हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये जो रिमेनिंग रह गया हमारे पास ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसको ध्यान से समझ लेना, जो 90 डिग्री और थीटा इन दोनों के बीच में जो आएगा वो हमेशा क्या होगा बेस आधार, तो यहाँ क्या हो गया बेस 90 डिग्री और थीटा के बीच में, यहाँ क्या आ गया बेस, तो ये बीस है बेस है तो सॉरी रिमेनिंग कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, लंब कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। तो देखो ये परपेंडिकुलर ये बेस, हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहेगा, कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो देखो बी अपॉन में पी, बी कितना है 5 और पी कितना है 12, आगे अपने पास वैल्यू टेन पी और कोट आर। अब फॉर क्वेश्चन में क्या देगा अपने को फाइंड करना है टेन पी माइनस कोट आर। तो देखो टेन पी माइनस कोट आर, तो 5/12 माइनस 5/12, जब दो सेम नंबर आ जाए प्लस माइनस अलग अलग साइन हो डिफरेंट साइन हो तो अपने इस वैल्यू को सीधा कट कर सकते हैं, आंसर कितना आ जाएगा 0। और अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कितना हो गया 12, तो 5-5 कितना आ जाएगा 0/12, कितना हो गया 0। आप चाहो तो इसको यही कट कर सकते हैं 5/12 और 5/12, कितना आ गया आंसर 0। और एलसीएम लेके देखना चाहो तो भी आंसर कितना आएगा 0। तो देखो सेकंड का आंसर आ गया हमारे पास 0। बस यहाँ ये ध्यान रखना टेन पी और कोट आर एंगल और 90 डिग्री के बीच में हमेशा क्या बनेगा बेस बनेगा, तो सेकंड का आंसर आ गया अपने पास। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है, यदि इफ साइन ए इक्वल टू में 3/4 तो कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, उसका मान निकालिए। तो देखो अब अपने डिस्कशन करते हैं सॉल्यूशन नंबर थर्ड। देखो यहाँ सॉल्यूशन नंबर थर्ड हमारे पास दे रखा है साइन ए कितना है 3/4, साइन ए इक्वल टू में कितना है 3/4। तो देखो साइन ए क्या होता है फॉर्मूला, पंडित पी और हर हर बोले कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपने इसको क्या मानेंगे, देखो हमारे पास पहले तो बेस नहीं है, अपने को बेस फाइंड करना है, तो अपने क्या करेंगे लेट, या आपने क्या लिखे माना, क्या माना हमने पी इक्वल टू में 3x और कितना हो जाएगा h इक्वल टू में 4x लिखा हमने। अब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो आधार क्या है बी, देखो यहाँ आधार हमें फाइंड करना है, पी कितना अपने पास 3x परपेंडिकुलर, लंब कितना है 3x, कर्ण हमारे पास कितना हाइपोटेनियस 4x। तो देखो एच है वहाँ अपने कितना लिखेंगे 4x का स्क्वायर, यहाँ पी कितना आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर, और बेस अपने को फाइंड करना है। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा 4×4=16x2, यहाँ कितना आएगा 9x2, 3×3=3 कितना हुआ 9x2 प्लस बेस का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 16x2 माइनस 9x2। अब देखो 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7x2 बी स्क्वायर। अब दोनों साइड अपने क्या लेना है वर्गमूल निकालना, बोथ साइड स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लेंगे अपने दोनों साइड तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास बी रूट 7x। अब देखो एक्स स्क्वायर था तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो यहाँ से एक पेयर एक नंबर बाहर आ गया, यहाँ बी स्क्वायर लिखा बी मल्टीप्लाई बी क्या होता है बी स्क्वायर, तो यहाँ से बी बाहर आ गया। लेकिन 7 का रूट अपने नहीं निकाल सकते, पॉइंट ऑफ में वैल्यू आएगी तो पॉइंट ऑफ वैल्यू अपने को फाइंड या नहीं करना है, तो बी इक्वल में कितना आ जाएगा रूट 7x। तो देखो पी हमारे पास है, एच हमारे पास है, बी हमारे पास कितना आ गया रूट 7x आ गया अपने पास।
अब अपने को क्या फाइंड करना था, देखो कॉस ए और टेन ए, देखो हमारे पास साइन में भी ए दे रखा है, कॉस सॉरी हमें क्वेश्चन में अपने को साइन ए कितना दे रखा है, 3/4 कॉस ए और टेन ए, देखो कॉस ए और टेन ए, यहाँ हमने कोई डायग्राम बनाया, इधर यहाँ हमने लिख दिया बी कितना है 90 डिग्री ए और सी, अपने पास देखो यहाँ भी साइन ए दे रखा था, फाइंड भी अपने को कॉस ए और टेन ए की टर्म में ही देना है। तो देखो ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है और एंगल है, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, बेस, ये कितना हो गया परपेंडिकुलर, ये कितना हो गया हाइपोटेनस कर्ण, तो बी हमारे पास कितना है √7x, परपेंडिकुलर कितना है 3x और हाइपोटेनस कितना है 4x, आ गया इतना अपने पास। अब देखो कोस ए और टेन ए अपने को फाइंड करना है, तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, तो बी से क्या आ जाएगा इधर बी अपॉन में एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, तो यहाँ कितना आएगा एच बी अपॉन एच, बी कितना है √7x और एच हमारे पास कितना है 4x, तो x से x कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा √7/4। तो देखो कॉस ए हमारे पास कितना आ गया √7/4। दूसरा अपने को फाइंड करना है टेन ए, टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री प्रसाद तो परपेंडिकुलर हर हर बोले तो बी पी अपॉन में बी, तो टेन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो पी अपॉन में बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना अपने पास 3x, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3x, बेस कितना अपने पास रूट में 7x, यहाँ x से x वैल्यू कट हो जाएगी, टेन ए कितना आ जाएगा अपने पास 3/√7। तो देखो ये हमारे पास आंसर आ गया टेन ए कितना 3/√7, कॉस ए हमारे पास कितना आ गया देखो √7/4, √7/4 कितना आ गया अपने पास आंसर 4। तो देखो अपने को फाइंड भी क्या करना था क्वेश्चन में, कॉस ए और टेन ए, तो यहाँ ध्यान रखना अपने पास दे रखा था साइन ए इक्वल टू में 3/4, तो देखो परपेंडिकुलर हमारे पास था, हाइपोटेनस हमारे पास था, मतलब हमारे पास लंब था और कर्ण था, हमें क्या फाइंड करना था आधार बेस, तो बेस निकालने के लिए हमने पहले क्या लगाई पाइथागोरस थ्योरम, तो वहाँ से हमारे पास बेस कितना आ गया √7x, फॉर्मूला क्या होता है कोस ए इक्वल टू में क्या होता है आधार बटे कर्ण बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो यहाँ कितना आ जाएगा √7x/4x, इस x से यहाँ x कट हो जाएगा √7/4 में कितना आ गया 4, यहाँ टेन ए क्या होता है देखो लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी अपॉन में बी, पी कितना था 3x और बी कितना था √7x, x से x यहाँ कट हो जाएगा कितना आ जाएगा 3/√7, तो ये था टेन ए और कॉस ए हमारे पास कितना था √7/4। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।